सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर्ड के अंदर में कोई भी डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसे कैसे रिमूव करना है और आप घर में ही रहकर इसे इजीली साफ कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। देखो, जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले अच्छे से ग्लास को, टेम्पर को जो है बाहर निकाल लेना। उसके बाद इसके अंदर में जो भी डस्ट वगैरह लगा हुआ है, जो भी है, उसे किस तरह से साफ करते हैं, तो उसके लिए आपको टेप लेना पड़ेगा। देखो, सेलो टेप होता है, इसी टाइप का आपको टेप लेना है। ओके, और हो सके तो मतलब बड़ा बड़ा टेप लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे वाले में मतलब ज़्यादा आपको बार बार टच करना पड़ेगा। अब ये जो आपने देखा, ये इस तरह से मोड़ लेना है और इसे जहाँ पर हो वहाँ पर डस्ट लगा हुआ है उसे इस तरह से करना है, और ग्लास को ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। उसका जो मेन इनर पार्ट होगा वो नीचे रहेगा, अगर आप उसे ऊपर रखोगे तो ऊपर का जो डस्ट है वो उसमें चला जाएगा, इसलिए इसे इस तरह से पकड़ना है और नीचे से टेप को टच करना है और धीरे धीरे उसको खींचना है। और देखो, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक दो पॉइंट पर डस्ट लगा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप साफ हो जाएगा। तो अगर पूरे में डस्ट लग जाए तो उसे किस तरह से क्लीन करते हैं, तो उसके लिए आपको जो आपने टेप देखा अभी उसको बड़ा टाइप लेना है, ठीक है। जितना आपका डिस्प्ले है उतने साइज़ का आपको कट कर लेना है और चिपका देना है, पूरे से पूरे को चिपका देना है अच्छे से, और धीरे धीरे करके उसे रिमूव करना है। एक से दो बार आप करो, पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसे डिस्प्ले पे अटैच कर दो। देखो, मैं यहाँ पे अभी क्लीन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यार क्लीन करना पड़ता है, आप लोग जानते हो, अच्छे से क्लीन कर लो, क्लीनर वगैरह है तो आपके पास, अपने मोबाइल को क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद अपर का जो पार्ट है उसे आप पकड़ो, और जो सबसे पहले ऊपर का जो कैमरा एंगल है उसे आपको मिलाना पड़ेगा, हो सके तो डिस्प्ले को वाइट कर लेना, कोई भी वाइट फ़ोटो क्लिक करके। और जो कैमरा का पोजीशन होता है, सबसे पहले उसे आपको देखना होगा, और उस कैमरे के पोजीशन से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डिस्प्ले है, टेम्पर्ड है, वो किस तरह से बैठेगा, और नहीं तो आप अगल बगल देख सकते हो। और ये जो वाइट कलर का मतलब वॉलपेपर यहाँ पे दिख रहे हो, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब ईजिली हेल्प करेगा स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर्ड लगाने के लिए, क्योंकि इस वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है उसे ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर पोजीशन रखना है। तो गाइस, यहाँ पर पूरी तरह से टेम्पर्ड जो है अटैच्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एयर बचा हुआ है, तो देखो एयर को किस तरह से रिमूव करते हैं। आपको इस तरह स्लाइड करना है, अगर रिमूव हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर रिमूव नहीं होता है भाई, जो तो टेम्पर्ड आपके पास आया था उसका जो बैक वाला जो भी मतलब पेज टाइप का होता है उसे आपको लेना है, और उसी से इसे आपको रिमूव कर लेना है, नहीं तो कोई थोड़ा सा हार्ड टाइप का कॉपी लेना है, मतलब कोई भी मतलब ब्लेड, ठीक है, ब्लेड भी अच्छा काम करेगा, तो उसे लेना है। और जो एयर लगा हुआ है, जहाँ पर एयर का बबल आपको दिख रहा है, उसके मतलब उस वहाँ पर थोड़ा सा आपको उठाना होगा। तो गाइस, इस तरीके से आप डिस्प्ले के एयर बबल को बाहर निकाल सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।